ओडिशा में हुए दर्दनाक रेल हादसे ने करोड़ों देशवासियों को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इन दर्दनाक तस्वीरों ने हजारों परिवारों को जिंदगी भर का गम दे दिया है। एक साथ तीन ट्रेनों की टक्कर के बाद मौत का मातम पसर गया। ट्रेन की बोगियां ऐसे बिखरी पड़ी थी जैसे बच्चों के खेलने वाला खिलौना हो। मुसाफिरों की लाशें जब ट्रेन की बोगियां काटकर निकाली जा रही थी तो तस्वीरें रूह कपा देने वाली थी। हादसा इतना खौफनाक था कि ट्रेन की बोगियों के भी परखच्चे उड़ गए थे। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हादसे का शिकार हुए मुसाफिरों का क्या हाल हुआ होगा। शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि ओडिशा रेल हादसे के पीछे सिग्नल की गड़बड़ी हादसे की वजह बनी है। सूत्र बता रहे हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से गुजरने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया और फिर इसे बंद कर दिया गया, लेकिन तब तक ट्रेन लूप लाइन में प्रवेश कर गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इस बीच डाउन लाइन पर यशवंतपुर से सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ गई और इसके डिब्बे भी पटरी से उतर गए। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूँ। रेल मंत्री के अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे के बाद रेल मंत्री समेत जहां पूरा सरकारी अमला राहत और बचाव में जुटा था, इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे। ये तस्वीरें गमजदा परिवारों के जख्मों पर मरहम तो नहीं, लेकिन गम में थोड़ा सुकून देने वाली जरूर है कि देश का मुखिया मुसीबत की घड़ी में आपके साथ है। बालासोर में रेल हादसे के बाद खुद पीएम मोदी घटनास्थल पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। गमजदा परिवारों के गम पर मरहम लगाया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया। और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने घटनास्थल के बाद अस्पताल जाकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात भी की। पीएम एक एक बेड पर जाकर हाथ जोड़कर घायलों से मिले और उनका हाल चाल जाना। पीएम ने सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूँ। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। हादसे में मृतकों के परिवार को 12 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया। मामूली रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे से पूरे देश में शोक का माहौल है और इसी बीच रेल हादसे के बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे वाली जगह पर घायलों को बचाने और मृतकों के शवों को बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच अखिलेश यादव ने इस हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा, झूठी सरकार की झूठी तकनीकी ने कितने लोगों की जान ले ली है, इसके लिए मंत्री से लेकर कंपनी तक सब जिम्मेदार हैं। इस महाघोटाले और भ्रष्टाचार के एक आपराधिक मामले की तरह जांच करके दंडात्मक कार्रवाई हो। वही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि ट्रेनों के आपस में टकराने की सही वजह का पता चल पाए। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आशंका जताई है कि मरने वालों की संख्या 500 से ज्यादा हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। लेकिन ओडिशा में हुए रेल हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस आपदा की घड़ी में मैं उन सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिनके परिजनों ने अपनी जान गंवाई है। हमारे पास प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से पूछने लायक कई सवाल हैं जिसके लिए प्रतीक्षा की जा सकती है। फिलहाल तात्कालिक जरूरत राहत और बचाव की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।